सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर। उन्नाव में हुई मुठभेड़ में मारा गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह। 22 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में शामिल था आरोपी अनुज। इसी मामले में मंगेश यादव भी एनकाउंटर में ढेर हुआ था। सुल्तानपुर डकैती मामले में पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को अरेस्ट किया, वहीं 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया। एनकाउंटर में ढेर अनुज के पिता का बयान, मेरे बेटे को एनकाउंटर से अखिलेश की ख्वाहिश पूरी हो गई। अनुज के पिता ने कहा, 1 या 2 FIR वालों का एनकाउंटर किया गया, 35-40 केस वालों को एनकाउंटर नहीं किया। अखिलेश यादव पर हमलावर हुए यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर, बोले अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अखिलेश यादव ने जातिवाद को मुद्दा बना दिया। अनुज प्रताप सिंह यादव एनकाउंटर पर ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा, बोले अखिलेश यादव अनुज का एनकाउंटर सही या गलत बताएं। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर ना इंसाफी। अखिलेश बोले, जिनका खुद कोई भविष्य नहीं वह दूसरों का भविष्य बिगाड़ते, एनकाउंटर निंदनीय है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले सपा नेता सुनील सिंह यादव, अब योगी जी की पुलिस यूपी में अकाउंट सेटल एनकाउंटर बन गई है। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, लिखा जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आतिशी ने दिल्ली सीएम का पदभार संभाला, केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी आतिशी, सीएम ऑफिस में लगी दूसरी चेयर। केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ने पर बोली आतिशी, इस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल का इंतजार, चुनाव बाद वो फिर से सीएम होंगे, अगले 4 महीने के लिए सरकार चलाऊंगी। सीएम की कुर्सी खाली करने पर दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, ये आम आदमी पार्टी का ड्रामा, ये सब केजरीवाल के कहने पर हो रहा है। केजरीवाल के लिए खाली कुर्सी छोड़ने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, बोले आतिशी दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह है और असली सीएम केजरीवाल है। मालवीय बोले, ये बाबा साहेब के बनाए संविधान का माखौल है, सीएम पद की शपथ आतिशी ने ली है, ना कि खाली कुर्सी पर बैठे केजरीवाल के भूत ने। शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा आज सवाल सिर्फ इतना है कि जब अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा, कोर्ट की शर्त के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, अब वो मजबूरी में उठाए गए कदम को मजबूती बता रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ी, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है बंद। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम ने राउंड टेबल मीटिंग की। पीएम मोदी बोले, भारत में टैलेंट, बाजार, लोकतंत्र और यहां तक की निवेश की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत के टैलेंट पर दुनिया को भरोसा, हमारे पास युवा टैलेंट की भरमार है। पीएम मोदी बोले, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म हमारा मंत्र, हम सपनों को पूरा करने का विश्वास रखते हैं। टेक कंपनियों के सीईओ से बोले पीएम मोदी, भारत के प्रति पूरी दुनिया में उत्साह, आज हर क्षेत्र में हम तेजी से विकास कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, पीएम भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उन्होंने हमें भारत में निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका में आज भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, न्यूयॉर्क के यूएन बिल्डिंग में होगा संबोधन। शिखर सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल गवर्नेंस भी शामिल है। पीएम मोदी को सुबह के सत्र में 72 वक्ताओं में से 35वें वक्ता के रूप में मिली जगह, भारतीय समय के हिसाब से रात 9:30 बजे होगा संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद से मुलाकात की, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ भी पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की है, इसराइल फिलिस्तीन युद्ध समेत कई अहम विषयों पर चर्चा। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने होलटेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्ण पी सिंह से द्विपक्षीय बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा। न्यूयॉर्क के नसाउ कोलिजियम में पीएम मोदी का मेगा शो, प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, कहा AI यानी अमेरिका और इंडिया दुनिया के नए सुपर पावर हैं। भारत 10वें में से 5वें नंबर की इकोनॉमी वाला देश बना, पीएम मोदी ने कहा भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का टारगेट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत में 5G बाजार अमेरिका से बड़ा है, भारत रुकने वाला नहीं है, भारत अब थमने वाला नहीं। मोदी ने कहा वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया चिप अमेरिका में भी देखेंगे, ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद मंदिर के शुद्धिकरण के लिए महाशांति होम किया गया, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी और पुजारी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मिलावटी घी मामले की जांच SIT को सौंपी, IG रैंक के अधिकारी को बनाया गया इंचार्ज। तिरुपति मंदिर में आज VHP के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की आज दिन भर बैठक, बैठक में प्रसाद में मिलावट, उससे उत्पन्न स्थिति पर विचार। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, ये बहुत ही निंदनीय है, ये जांच का विषय है और जांच हो रही है। तिरुपति के बाद मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर भी सवाल, डिंपल यादव ने प्रसाद की क्वालिटी को लेकर उठाए सवाल।
डिंपल यादव ने कहा वृंदावन के प्रसाद में सही खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा, सरकार मामले की जांच कराए। लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर में बाजार का प्रसाद हुआ बैन, मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने जारी किया आदेश। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के बाद मन कामेश्वर मंदिर ने फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी नफरत फैलाती है, मोहब्बत की बातें करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला, मोदी अब पहले की तरह नहीं रहे, उनके आत्मविश्वास में कमी आई। राहुल गांधी ने कहा देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है, नफरत से किसी को फायदा नहीं, हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, 370 हटने के बाद हमारी जमीनें और नौकरियां छीनी जा रही। जम्मू में एयरपोर्ट रोड पर पोस्टर के जरिए उमर अब्दुल्ला पर निशाना, उमर के पहले दिए गए बयान और बाद में उसे यूटर्न लेने के लेकर पूछे गए सवाल। पोस्टर में किसी पार्टी का नाम नहीं, लेकिन सवालों के जरिए उमर अब्दुल्ला को घेरने की है कोशिश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रांची पहुंचे, झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। यूपी के सीएम योगी ने मिर्जापुर में रैली को किया संबोधित, बोले पीएम के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे, आज विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी, सभी नेता एकजुट हैं। 26 सितंबर को नरवाना में चुनाव प्रचार करेंगी कुमारी सैलजा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हरियाणा में सीएम के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, विधायकों की राय ली जाएगी, हाईकमान फैसला लेगा। राहुल गांधी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, विदेश में भारत का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई। रामगिरी महाराज और नितेश राणे को लेकर बोले एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील, रामगिरी महाराज और सीएम शिंदे की मानसिकता एक, उन्होंने सरकार के इशारे पर विवाद बयान दिए। इम्तियाज जलील बोले महाराष्ट्र में मुसलमानों को धमकी दी जा रही, सरकार के दबाव में पुलिस एक्शन नहीं ले रही। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नितेश राणे को लेकर बवाल, संभाजी नगर से इम्तियाज जलील ने निकाला मुस्लिम मोर्चा। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का रामगिरी और राणे के खिलाफ मुंबई कूच, रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, ट्वीट कर कहा राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के विरुद्ध रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर रश्मि ठाकरे के भावी सीएम बनने के लगाए गए पोस्टर, बाद में आनन फानन में हटाए गए। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई में सीएम शिंदे से मुलाकात की, आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत। उदय भानु चिप बने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, बीवी श्रीनिवास के लेंगे जगह। ओडिशा के थाने में आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर से बदतमीजी का मामला, बीजेडी ने मंगलवार को 6 घंटे का बंद बुलाया। भुवनेश्वर में आर्मी अफसर से मारपीट के मामले में एक्शन में सरकार, सीएम मोहन मांझी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। कोलकाता में डीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरजी कर मामले में न्याय की मांग की। कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विरोध मोर्चा निकाला, कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना, उसे अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, सरकार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी। यूपी के बरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस ने 3 गौतस्करों समेत 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बरेली के फतेहगंज और आंवला में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, फायरिंग के दौरान बदमाशों को लगी गोली। अमेठी के जायज थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के रिश्तेदार को पकड़ा, वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। महाराष्ट्र के अमरावती में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा यात्री घायल, कई लोगों की हालत गंभीर, रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 21 सितंबर को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के बाद से जारी है तलाशी अभियान। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक हुए गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में घुसने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया। अनुराग कुमारा ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके को दी बधाई, एक्स पर लिखा मैं साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूं। जयपुर में रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के खिताब से नवाजा गया, कार्यक्रम में कई हस्तियों ने की शिरकत। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद रिया सिंघा ने कहा मैंने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कार्यक्रम में उर्वशी रावतेला ने कहा मुझे उम्मीद है कि इस साल भारत के पास मिस यूनिवर्स का खिताब वापस आएगा। ऑस्कर 2025 में फिल्म लापता लेडीज की एंट्री, 29 फिल्मों की लिस्ट से लापता लेडीज को चुना गया।